मेरे पास में इस तरीके से एक पर्दे का बहुत ही पुराना कपड़ा पड़ा हुआ है, ये देखिए आप, इस तरीके से ये फट भी रहा था और इस साइड से भी यहाँ से फट रहा था, तो मैंने इसको कट करके अलग कर लिया है। हालांकि ये बहुत मजबूत है, ऐसे नहीं है कि मतलब तुरंत फट जाएगा, तो ये काफ़ी मजबूत है। जिन लोगों ने ऐसे पर्दे पहले इस्तेमाल किए होंगे, पहले इसी तरीके के चलते थे, तो लोग जानते हैं कि ये कपड़ा कितना ज़्यादा मजबूत आता है। तो इससे हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा होम जो है कपड़ों के लिए ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार करेंगे। जैसे हम लोग अलमारी खरीदने में हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं और कभी कभी जगह की कमी की वजह से हम लोग इस्तेमाल भी उसका नहीं कर पाते या ज़रूरत होती है फिर भी नहीं मंगा पाते हैं, तो कम जगह में ढेर सारे कपड़े हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, तो चलिए फटाफट से एक हम DIY ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें इस तरीके का कोई भी कपड़ा चाहिए होगा और साथ ही हमें चाहिए होगा कार्डबोर्ड, जैसे इस तरीके से हमारे पास में निकल आते हैं। मैंने ये इससे निकाला है कट करके, तो मैंने ये इसका इतना निकाला हुआ है, मैंने इससे कोई नाप या मेजरमेंट मैंने नहीं किया है। तो आप इसमें 10x12 का भी कर सकते हैं, परफेक्ट माप है वैसे 10x12 का, और लंबाई जो इसकी रहेगी अलमारी की आप उसको कितना भी कर सकते हैं, यानी कि 20 इंच, 25 इंच, 30-40 इंच तक की आपकी जो अलमारी बनेगी वो बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे ये वाला कपड़ा तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, इसमें जो हमारा छोटा वाला कपड़ा है, और इसको हम लंबाई में इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ को हम लंबाई में इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे क्या करना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो नीचे वाला इसका कपड़ा रहेगा जहाँ पर हम लगाएंगे कार्डबोर्ड को, तो सबसे पहले हम इसको दोहरा करके हमें सेंटर पॉइंट यहाँ से लेना है, जितनी चौड़ी हमें अपनी अलमारी बनानी है, जितना चौड़ा हमने कार्डबोर्ड लिया है, तो हम उसको यहाँ से सेंटर पॉइंट में सबसे पहले कट लगाएंगे। यहाँ पर सेंटर पॉइंट में हम कट लगाएंगे, तो चलिए फटाफट से कट लगा लेते हैं इस जगह पर सेंटर पॉइंट में। तो हमने ये कट लगा लिया है सेंटर पॉइंट में, ये देखिए इस तरीके से, तो उससे हमें आसानी हो जाएगी। और अब हमें करना क्या है, जैसे हमने इस कार्डबोर्ड के माप से हमें इस कपड़े को जो हमारा दूसरा टुकड़ा है उसको हम कट कर सकते हैं। आप लोग किसी दूसरे कलर का भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे मेरा 7 फुट का पहले पर्दा था तो उसके हिसाब से कपड़ा काफ़ी है, आप लोग दूसरे रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कलरफुल भी बना सकते हैं, तो मैं इसी कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये देखिए ये साइड से ऐसे फटा हुआ भी है, तो हम मजबूत हो कपड़ा, और जैसे ये फटा क्या, इसको चूहों ने काट दिया, ये तो काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। पहले इसको हम कार्डबोर्ड के माप का काट लेते हैं, लेकिन हमें चारों साइड से इसमें 1-1 इंच इसको हमें बढ़ा के रखना होगा स्टिचिंग के लिए, ताकि हम जब स्टिचिंग करें तो कपड़ा हमारा कम ना पड़े। तो चलिए इसको फटाफट से इसके माप के बराबर का काट लेते हैं। तो ये हमने इसके बराबर का इस तरीके से कपड़ा कट कर लिया है, और ये कपड़ा हमारा दोहरा है, इस तरीके से हमारा ये दोहरा कपड़ा है, डबल उसमें है। तो अब हमें क्या करना है चलिए देखते हैं। तो ये जो हमने कार्डबोर्ड के लिए कपड़ा अलग किया है, इसके बीच में कार्डबोर्ड को रख के चलिए देखते हैं, और ये परफेक्ट है। तो अब हमें करना क्या है कि एक साइड से, तो ये मान लो जब दोहरा करेंगे तो एक साइड से सिलने की ज़रूरत नहीं रहेगी, 3 साइड से सिलना है। तो सबसे पहले हम 2 साइड सिल लेते हैं, 2 साइड को सिलने के बाद में एक ये खोल की तरीके से बन के तैयार हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको हम सीधा कर देंगे, और सीधा करने के बाद में इसके अंदर हम कार्डबोर्ड को डाल देंगे। कार्डबोर्ड को डालने के बाद में हम इसमें सिलाई कर देंगे। तो फिर अब आप लोग चाहे मशीन से कर सकते हैं या फिर आप हाथ से भी कर सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा सिलाई का काम नहीं है, बस इतना ही सिलाई का काम है। तो ये सिल के तैयार हो चुका है, अब इसके अंदर हम कार्डबोर्ड डाल देते हैं। और मैंने ये हाथ से ही तैयार किया है, और मैं रात में बना रही थी तो फिर मैंने मशीन वगैरह नहीं चलाई है और अंदर रखी हुई थी, फिर निकालती धागा वगैरह डालना, तो मैंने हाथ से ही बना दिया है। तो अब इसको हम सुई से जल्दी से टांक लेते हैं पूरे तरीके से। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं, और अगर आपको किसी चीज़ का आइडिया चाहिए तो फिर आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर ये देखिए इस तरीके से कार्डबोर्ड हमने चारों तरफ से पैक कर लिया है इस तरफ से। अब हमें करना क्या है कि ये जो कपड़ा है जिसकी हमें लंबाई रखनी है, जितनी बड़े हमें अलमारी बनानी हो कपड़े रखने के लिए, 20 इंच 30 इंच 25 इंच 35 इंच, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमने कार्डबोर्ड बनाया है उसको पहले हम इस तरीके से रखेंगे इस तरीके से, और जहाँ से हमारे कार्डबोर्ड का हाफ वाला
एरिया होगा उस जगह से हमें रखना है इस तरीके से। चलिए एक बार आपको ऐसे ही दिखा देते हैं बगैर सिलाई के। इस जगह से हमने इसको ऐसे रखा और इसके बाद में चारों साइड से इसको ऐसे कवर करके फिर ये दूसरा वाला पल्लू भी यहीं पर आना चाहिए और हमें में सिलाई करनी है। हाथों की सिलाई भी मजबूत होती है और क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमें पहनना है तो दिखना चाहिए कि कैसा सिला हुआ है, तो ऐसे मजबूती है हाथ से भी आ जाती है। तो ये जहाँ ये कॉर्नर इसके जो पड़ेंगे तो इन कॉर्नर पे हम थोड़ा इस जगह पे इस तरीके से थोड़ा मोड़ के इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे ताकि यहाँ पे सिकुड़न जैसी या खिंचाव ना रहे। इसी तरीके से हम सारे कॉर्नर पे कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से स्टिचिंग कर लिया है हाथ से और ये एक साइड से खुला हुआ है इस तरीके से। तो ये हमारा बनके रेडी हो गया है और मेरे पास ही बहुत सारी लेसेस इस तरीके से रखी हुई थी तो इसको हम डेकोरेट भी कर सकते हैं। आप प्लेन कपड़े का बनाइए, चुन्नी का बनाइए, किसी ओल्ड बेड शीट का बनाइए, पर्दे के कपड़े का बनाइए, साड़ी का बचा हुआ कपड़ा हो उससे बनाइए, किसी कुर्ती से भी आप इसको बना सकते हैं। तो कोई भी आप इसमें कपड़ा मजबूत सा हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद में हमें एक चूड़ी या कंगन चाहिए होगी, तो चूड़ी हमें मेटल की चाहिए होगी क्योंकि कांच की चूड़ी टूट जाएगी। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो ऊपर साइड का सिरा है या तो हम इस तरीके से चुन्नटें भर के हाथ में कर लें और इसको हम कंगन या चूड़ी के अंदर से डाल करके या तो सुई से हम पूरा सिल दें या फिर हम उसको बांध दें और इस तरीके से इसमें डाल के हम सिल दें या फिर हम इसको बांध दें और ये हमारे टांगने के काम आएगा। और चूड़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है, आप चाहें तो किसी कपड़े का टांगने वाला भी बना के इसमें अलग से लगा सकते हैं चूड़ी की जगह पर उसे। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया, मैंने प्लेट्स बना के इसको किया है और बहुत ही बड़ी ये अलमारी है, आपके इसमें सैकड़ों कपड़े आ जाएंगे, 50 नहीं सैकड़ों कपड़े आ जाएंगे। आपको चैन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये देखिए इस तरीके से आप कपड़े रख सकते हैं, आप पैंट शर्ट साड़ी शॉल घर की बेड शीट्स बच्चों के कपड़े आप इसमें सैकड़ों कपड़े रख सकते हैं। बस ऊपर की कील मजबूत होना चाहिए जिसमें हम इसको टांगेंगे। तो आप इसको वॉल हैंगिंग भी कर सकते हैं, अगर सेफ वगैरह है तो उसमें भी आप इसको हैंग कर सकते हैं। और हम चाहे तो ये कपड़े इस तरीके से रोल बना करके भी इसमें लगा सकते हैं और ये बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे, अच्छे तरीके से ये बंद रहेगा। तो अब मैं इस देखिए आप, और जब भी आपको निकालना हो तो बस आप खोलिए और आप निकाल लीजिए इसमें। ये देखिए मैंने साड़ी शॉल स्टॉल वगैरह भी आपको डाल के बताया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कोशिश करिएगा ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाने की।